हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चन नंबर 1 to 22 तक आपको इसका जो सॉल्यूशंस है वो अच्छे से समझा दिया था। अब हम इस वीडियो के अंदर जो हमारे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे कंप्लीट करेंगे, और इनके अंदर कुछ एक दो नए क्वेश्चंस भी हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना भी है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, 36/A2 माइनस में 25/B2। तो इसके अंदर क्या करना होगा, जैसा कि आपने पहले भी सीखा था, A2 माइनस B2 किसके इक्वल होता है, A माइनस B, A प्लस B के, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और A2 को A का स्क्वायर, तो 6/A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, 5/B का होल स्क्वायर। तो अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, तो A के प्लेस पे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों फैक्टर्स के अंदर 6/A, और B के प्लेस पे क्या आएगा, 5/B। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या गिवन है, x2 - 0.01। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x2 - 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.01 को 1/100 लिखेंगे, और 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, और 1/10 को लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट ही क्या लिख दिया, 0.1 का स्क्वायर। तो एक बार माइनस और दूसरी बार क्या कर सकते हैं इसको हम प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का सॉल्यूशन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है, 81 माइनस में, देखिए अब इस तरह से ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो 81 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन ही है, x - 7 का होल स्क्वायर। बस आपको अब इसका कंपैरिजन करना है किसके साथ, A2 - B2 के साथ। तो यहाँ A के प्लेस पे क्या है, 9, और B के प्लेस पे क्या है, x - 7। आपको अब इतना ध्यान देना है कि जहाँ पर आपको A लिखना है वहाँ पर 9 लिखना है, और जहाँ हम B लिखते हैं वहाँ पर x - 7। तो मैं आपको देखो ये अच्छे तरीके से यहाँ ऐसे करके दिखा रहा हूँ, एक बार माइनस का साइन है और एक बार प्लस का साइन है। तो A के प्लेस पे 9 आएगा, और B के प्लेस पे देखो जब भी माइनस का साइन आ जाए तो याद रखना एक ब्रैकेट जरूर लगा लेना, अदरवाइज गलती होने के चांस रहते हैं। और यहाँ पे x - 7 इसको लिख सकते हो एज इट इज़, क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है। अब देखो जैसे ही हम इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, और इनटू में 9 + x - 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 9 और 7 दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 16 - x, और दूसरा यहाँ 9 प्लस का है 7 माइनस का है। जब एक साइन प्लस हो दूसरा माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन कंपलसरी होती है, आपको पता ही है। तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 + x। तो इस तरह से ये हमारा फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में हमें क्या गिवन है, x³ - x। तो इन दोनों में से हम सबसे पहले कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x जब हम दोनों में से बाहर लेंगे तो यहाँ x³ में से x बाहर लेंगे तो अंदर x² रहेगा, और x में से जब x बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1। अब इसके बाद इसके फिर फैक्टर करने हैं हमें, x²-1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो x इंटू में ये बन जाएगा x - 1 और x + 1। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन है, 18 A2 X2 और माइनस में 32। तो इसमें देखो 18 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, 32 भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है, तो हम सबसे पहले इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 18 में से 2 कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, 9 A2 X2, और 32 में से 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 16। अब 2 एज इट इज बाहर रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3AX का स्क्वेयर, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वेयर। तो 2 बाहर रहेगा, अब इसको लिख सकते हैं 3AX - 4 और 3AX + 4। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28
8, तो 28 में क्या स्टेटमेंट है, 3x की पावर 3y माइनस 243xy की 3। तो इसमें भी सबसे पहला काम है कॉमन लेना, तो 3 कॉमन लेंगे। अंदर देखो x तीन बार है, इधर एक बार है, तो 1x भी कॉमन आ सकता है, y इधर एक बार है, इधर तीन बार है, तो एक y भी कॉमन आ जाएगा। तो 3xy कॉमन लेने के बाद अंदर रहेगा x2, और ये जब 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 81, और x बाहर आ चुका है, y बाहर लेंगे तो y2 अंदर रह जाएगा। अब 3xy एज इट इज इंटू में, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू में 9y का स्क्वायर। अब देखो 3xy इंटू एक बार माइनस, और दूसरी बार क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्लस लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या गिवन है, a की पावर 4 माइनस 81। तो a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 2, और 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2। तो एक बार तो ये बन जाएगा a2 माइनस 9 और a2 प्लस 9। अब ध्यान ये देना है, यहीं तक नहीं छोड़ना इसको हमें। यहाँ देखो a2 प्लस 9 तो एज इट इज साथ ही रहेगा, बट a2 माइनस 9 जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस 3 की पावर 2। तो जब 3 की पावर 2 है तो ये फिर एक आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या, a माइनस 3 और a प्लस 3। तो अब की बार जो आंसर होगा आपका फाइनल वो ये होगा a माइनस 3 a प्लस 3 और a2 प्लस 9। जब तक आगे आइडेंटिटी बनती है तब तक हमें उसको बनाना है, और जब ना बने तब वहाँ पर हमें छोड़ देना है। तो 29 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की क्या स्टेटमेंट है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो इसको हम पहले तो यही लिखेंगे, x2 की पावर 2 y2 की पावर 2, फिर ये बन जाएगा x2 माइनस y2 और x2 प्लस y2। ये चेंज नहीं होगा, ये फिर चेंज हो जाएगा x माइनस y, x प्लस y, और ये x2 प्लस y2 एज इट इज साथ रहेगा। अब देखो इसी के ऊपर ही एक बेस्ट क्वेश्चन है 31, a की पावर 4 माइनस में 16x की पावर 4। तो हम a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a की 2 की 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4x2 का स्क्वायर। जब 4x2 की 4x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 16x की 4 ही आ जाएगा। तो अब इसको हम दो बार लिखेंगे, a2 माइनस में 4x2 और a2 प्लस में 4x2। तो ये पीछे वाला तो एज इट इज रहेगा, इसको हमें चेंज फिर करना है, a माइनस में 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो a माइनस 2x, a प्लस 2x और साथ में a2 प्लस में 4x2। तो ये हमारा क्या होगा, 31st क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इसके बाद हमें जो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 32 में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो देखो x2 माइनस में y2 प्लस में 2x प्लस में 1, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम इन दोनों को तो कर सकते हैं, x माइनस y, x प्लस y, पर ये बच जाएगा तो इसको हम कहाँ छोड़ेंगे। तो इसीलिए हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बड़ा ध्यान देना है, देखो ये y2 से पहले क्या है, माइनस का साइन, तो हम थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, x2 पहले लिखेंगे, फिर 2x लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, y2। और इसको इस तरह से हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो देखो x2 प्लस 2x प्लस 1, अब ये एक हमारी आइडेंटिटी बनेगी। तो देखो x का स्क्वायर प्लस 2x को लिख सकते हैं हम 2ab प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या है, y2। अब देखिए x के प्लेस पे फर्स्ट टर्म x है तो x, और सेकंड टर्म 1 है तो 1। अब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई 2x ही आती है, तो इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और ये फैक्टराइज होके क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर, और माइनस में क्या है, y2, तो y2 को हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब ये देखो ये हमारे पास ये बन गया है a2 माइनस में b2। a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, और b के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, y। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए a माइनस b, a प्लस b। तो a के प्लेस पे कौन है, x प्लस 1, और b के प्लेस पे कौन है, 1 1। तो आंसर क्या आएगा, देखो ये b के प्लेस पे y है और इधर भी y है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस y, x प्लस 1 प्लस y। इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 32 को करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये भी ऐसे ही है। 33 में x2 प्लस में 4y2 माइनस z2 माइनस 4xy, तो इसमें जो माइनस z2 है इसको हम लास्ट में ले जाएंगे,
एक्स टू माइनस फोर एक्स वाई बीच में ले आते हैं और प्लस फोर वाई टू वो लास्ट में, और सबसे लास्ट में जो जाएगा वो कौन जाएगा, जेड टू। तो इन तीनों के ऊपर भी हम यही जो हमने अभी आइडेंटिटी यूज़ की थी, देखो x का स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस में इसको लिख सकते हैं टू वाई का होल स्क्वायर और माइनस में z स्क्वायर। अब a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे टू वाई, तो ये एक हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा फोर एक्स वाई, तो ये बन जाएगा x माइनस में टू वाई का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में इसको हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो x माइनस में टू वाई माइनस z और x माइनस में 2y प्लस z। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो 34th स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन है, 25x प्लस y का होल स्क्वायर। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और साथ में इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू में x प्लस y इस ओवरऑल का स्क्वायर। और माइनस में इसी तरह 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और साथ में इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई विद x माइनस में 2y का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस में 5y का होल स्क्वायर, इसी तरह 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस में 12y का होल स्क्वायर। अब ये a2 माइनस b2 बन चुका है आपका, तो a2 माइनस b2 किसके इक्वल होता है, a माइनस b a प्लस b। तो एक बार इसको हम लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में जब लिखेंगे तो ये देखो माइनस साइन लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, ये 6x प्लस का 12y हो जाएगा। और इसी तरह एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे तो ये एज इट इज आ जाएंगे, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो 5x और 6x को जब सोल्व करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी, माइनस x आएगा। 5y और 12y को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17y इंटू में 5x और 6x को ऐड करेंगे तो 11x, 5y में से 12y को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7y। तो ये आंसर जो है हम मैच करके देखेंगे, a के अंदर नहीं है, b में हमारे पास यही है, देखो b के अंदर देखो माइनस x प्लस 17y और 11x माइनस 7y, b ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट होगा। आगे पीछे इसमें से मैंने पहले भी बताया था, आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x2 प्लस y2, तो x2 प्लस y2 प्लस 2xy और माइनस z2 में से कौन सा एक फैक्टर है, हमें पहले तो इसके फैक्टर बनाने हैं। तो देखो ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगी x प्लस y का होल स्क्वायर, आप करके देखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy यही बनेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं और माइनस में क्या है z2। तो इसको अब हम a2 माइनस b2 वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो x प्लस y माइनस z और x प्लस y प्लस z, तो इन दोनों में से यहाँ देख सकते हो a में क्या है x माइनस y, इधर नहीं है x प्लस y माइनस z, यस b ऑप्शन जो है वो राइट है। तो इसके अंदर भी हमारा एक फैक्टर, दो फैक्टर हैं, इनमें से एक फैक्टर हमें मैच करना है, तो एक फैक्टर कौन सा मैच हो रहा है हमारा, b वाला मैच हो रहा है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि होट्स है, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, 256x की पावर 16 माइनस 1। तो इसको हमें कैसे करना है सोल्व, कैसे फैक्टराइज करने हैं, तो हमें तो कोशिश करनी है कि हमें इस तरह से इसके फैक्टर बनाने हैं a2 माइनस b2। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और 256 को लिख सकते हैं हम 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब x की पावर 16 है, बाहर 2 है, तो अंदर क्या आएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 16x की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसका कंपैरिजन करेंगे a2 माइनस b2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 16x की पावर 8 माइनस 1 और 16x की पावर 8 प्लस 1। तो प्लस वाला तो साथ रहेगा, पर इसको हम फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते, पर इसको करेंगे। अब देखो 16x की 8 को हम लिख सकते हैं 4x की पावर 4 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इनटू में ये साथ साथ चलता रहेगा। अब इसका फिर आइडेंटिटी बनेगी, तो 4x की पावर 4 माइनस 1 और 4x की पावर 4 प्लस 1 और साथ में 16x की पावर 8 प्लस 1। अब ये दोनों साथ रहेंगे, पर इसको हम फिर को ओपन कर सकते हैं 2x की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2 की फॉर्म में, ठीक है, और ये साथ साथ चलेगा इस तरह से।
अब यहाँ देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x माइनस वन यहाँ, या 2x की पावर 2 आना था, 2x की 2 करेंगे तभी ये 4x की पावर 4 बनेगा, तो 2x 2 माइनस वन, और इधर क्या हो जाएगा 2x की 2 प्लस वन, और साथ में क्या है 4x की 4 प्लस वन, और 16x की पावर 8 प्लस वन। अब आगे इसको सोल्व कर सकते थे, पर यहाँ 2 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए यदि यहाँ 4 होता, 9 होता, 16 होता, तो फिर हम इसको आगे सोल्व कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं, तो यहीं तक इसका आंसर हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा, साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।